हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टुगेदर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है 24 अप्रैल और आज कंडक्ट हुआ है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से JOAIT 939 का एग्ज़ाम। तो मैं आपके लिए इसके आंसर की लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज़ डी है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई इज़ रिलेटेड टू? मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक है? श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज़? तो मानव रुधिर में बड़ी मात्रा में उपस्थित शर्करा है, यह है ग्लूकोज, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज़? मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को क्या उपयोग करने की सलाह दी जाती है? देखिए, मायोपिया को नियर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, यानी जो नज़दीक देख सकता है और दूर नहीं देख सकता है, नियर ब्लाइंडनेस मायोपिया को ये भी कहते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए ऑप्शन बी, कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज? विद्युत पंखे की गति को परिवर्तित करने में उपयुक्त होने वाली युक्ति है, यह है रेगुलेटर यानी नियामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकली लाइम वाटर इज? रासायनिक रूप से चूने का पानी है, ये है ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड? कौन सी धातु उसके स्वयं के ऑक्साइड की परत से सुरक्षित की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय विच माउंटेन रेंज? स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं? तो ये अलग होते हैं जांस्कर रेंजेस के द्वारा। जो जांस्कर रेंजेस है, ये हिमाचल और तिब्बत के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांगरंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हांगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? इसका राइट आंसर है किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन हिमाचल? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिनाब। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सतलुज, और सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वो है चिनाब, क्योंकि चिनाब में पानी का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच नेम हिमाचल इज इंट्रोड्यूस ऑन द टूरिज्म मैप? पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल किस नाम द्वारा परिचित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवभूमि नाम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतिधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? शीतिधार हिमाचल के किस जगह पर ये स्थित है? तो ये स्थित है कुल्लू जिले में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ HP विधानसभा वॉज? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे कृष्ण चंद्र, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट्स रूलर्स एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव्स हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन? सोलन में जनवरी 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्य शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दुर्गा सिंह, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे आपको किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अ पॉपुलर मिनिस्ट्री हेडेड बाय डॉक्टर YS परमार एज्यूम ऑफिस इन द पार्ट सी स्टेट ऑफ हिमाचल? डॉक्टर YS परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट सी राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया था? ये किया था ऑप्शन सी, 24 मार्च 1952 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिख गुरु इज लिंक्ड विद द पोंटा साहिब गुरुद्वारा। पोंटा साहिब गुरुद्वारा जो कि सिरमौर जिले में है वो कौन से सिख गुरु से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु गोबिंद सिंह से। देखिए इस पार्ट में हम जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी मैं आपके लिए इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लेकर आऊँगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अब टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आपको कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं अब। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ मूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ शिमला मॉल दैट डिपिक्ट द एप्पल प्लकिंग स्किल्स ऑफ हिमाचल पीपल। देखिए मूरल होते हैं जो दीवारों पर कुछ चित्र बनाए होते हैं यानी कि शिमला के मॉल में दीवारों पर जो चित्र बने हैं जिसमें हिमाचली लोग सेब को तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करते हैं उसे किसने बनाया है। तो उन मूरल्स को बनाया है उन चित्रों को बनाया है ऑप्शन सी M.C. सक्सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कांगड़ा रूलर एक्सेप्टेड द रूल ऑफ अकबर। किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया। ये किया था धर्मचंद ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑन व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट। किस वर्ष भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया था। ये पारित हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्यांग बक्यांग ब्यांगचू आर द फेमस डांसेस ऑफ। क्यांग बक्यांग और बेन्यांगचू कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। इसका राइट आंसर है किन्नौर। देखिए अगर आपको ये डांस के नेम याद नहीं रहते हैं तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आपने देखना है कि इसके लास्ट में जी जी है तो जिन डांसेस के बीच में या लास्ट में जी आता है तो वहाँ पर आपने आइडिया लगाना है कि ये किन्नौर का डांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द टारगेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज अचीव्ड इन हिमाचल प्रदेश। संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया। ये प्राप्त किया था 1988 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रिसीव द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड इन 1989। सन 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसने प्राप्त किया। ये किया था जयदेव किरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ विच कंट्री। यूरोपियन निभिकीय अनुसंधान संगठन CERN ने हाल ही में किस देश पर पर्यवेक्षक दर्जा निलंबित किया है। तो इसका राइट आंसर है रशिया पर रूस पर। और क्यों किया है रूस और यूक्रेन की वॉर जो चल रही है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो 2022 में हुआ है उसकी थीम क्या थी। इसकी थीम थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यानी नए भारत की आवाज बनिए और हल निकालिए तथा नीति में योगदान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द परम गंगा विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली। परम गंगा क्या है जो हाल ही में समाचारों में था। यह है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑन 2022। 2022 तक विश्व में कच्चे तेल तक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। यह है अमेरिका USA। नेक्स्ट यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है इसे भी कर लेते हैं। देखिए ये वर्ड दिया है सब्स्टिट्यूशन इसको कोड किया है इस तरह से तो हमें पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से कोड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसे डिकोड किया है इस तरह से। आपने पहले सब्स्टिट्यूशन को लिखना है बाद में इसका जो कोड लिखा है उसको लिखना है फिर आपने देखना है कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो आई है इसको सबसे फर्स्ट नंबर पर ले लिया है आई के बाद वाला टी उसके बाद है उसके बाद एस है तो
तो हमें पता लग गया कि यहाँ से ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सिक्स नंबर पर जो अल्फ़ाबेट है उसको सबसे पहले लिया है, उसके बाद फिफ्थ नंबर के अल्फ़ाबेट को, उसके बाद फोर्थ नंबर के अल्फ़ाबेट को लिया है, और इसी तरह से अगेन जो ये ना एन है इसे यहाँ पर लिया है, एन के बाद ओ यहाँ पर, आई यहाँ पर, टी एंड देन यू एंड टी, इस तरह से हमने अगेन डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से लिख के इसके भी सिक्स नंबर के पे जो अल्फ़ाबेट है उसको सबसे पहले लिखना है, और लास्ट में यहाँ पर डी आ गया, और उसके बाद एन को अगेन इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में बी तक लिख लेना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए तो इसमें क्या पूछा है, इन अ रो ऑफ 24 स्टूडेंट्स व्हेन जानकी वॉज शिफ्टेड बाय फोर प्लेसेस टुवर्ड लेफ्ट शी बिकम एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, वॉट वॉज हर अर्लियर पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर्स इन लॉ, हाउ इज़ द वुमन रिलेटेड टू द मैन। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ, यानी कि कोई वुमेन हमने मान लेनी है, उसे फोटोग्राफ में उसको पॉइंट किया गया है, तो उसको क्या बोला है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, यानी कि वो बेटी है, किसकी बेटी है, मेरे पिता की सास की बेटी है। तो यहाँ पर कोई आदमी है वो ऐसा बोल रहा है, आदमी या औरत कोई भी है वो ऐसा बोल रही है इसके बारे में, तो ये है इसके पिता, तो ये इसकी सास हो गई, तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो होगा मदर, वो जो औरत है वो उस आदमी की माँ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्पोडेंसी इज, डिस्पोडेंसी का एंटोनिम यानी विपरीत शब्द कौन सा है, ये है चेयरफुलनेस, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ऑप्शन ए परसिवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत प्रॉमिस मी दैट ही वुड कम बट डिड नॉट टर्न अप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू कीप द बॉल रोलिंग, तो इस ईडियम का मतलब है टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश का संधि विच्छेद है, तो ये है सुर प्लस ईश, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलक्षण में समास है, ये है अव्यय भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी में प्रत्यय है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल का पर्यायवाची है ऑप्शन ए पावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थोड़े से कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जीके के क्वेश्चन है इस पेज में, तो इन चार पांच कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन को भी देख लीजिए। पर्सनल लॉग्स और जर्नल्स एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब इज नोन एज, वेब पर डाले गए पर्सनल लॉग अथवा जर्नल एंट्री किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं ब्लॉग के नाम से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर्म्स नॉर्मली मूव अराउंड एंड इन्फेक्ट अदर मशीन थ्रू, वॉर्म्स सामान्यतः डैश द्वारा अन्य मशीन के चारों ओर घूमते हैं और उसे प्रभावित करते हैं, वॉर्म से मतलब है वायरस, तो ये एक से दूसरी मशीन पर किसके थ्रू जाते हैं, नेटवर्क के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैंड गेट्स कैन बी यूज टू परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन, नैंड गेट से हम किस टाइप के गेट्स का ऑपरेशन करवा सकते हैं, तो देखिए हम नॉट गेट का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, और का भी कर सकते हैं, और एंड का भी कर सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट और नॉर गेट ये दोनों है यूनिवर्सल गेट, और यूनिवर्सल गेट से हम जो बेसिक गेट्स होते हैं नॉट और एंड, इन तीनों के फंक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंपाइलर कन्वर्ट योर C++ इंस्ट्रक्शन इनटू, कंपाइलर जो है वो C++ की इंस्ट्रक्शन को किस में कन्वर्ट करता है, ये करता है ऑब्जेक्ट कोड में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
MS DOS support file names up to dash characters in length. MS DOS में अगर किसी फाइल को नेम देना हो तो उसमें कितने करेक्टर की लेंथ हो सकती है, तो ये करता है 8 करेक्टर की लेंथ को सपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की. ये थी बर्नट ब्रिक्स बिल्डिंग्स, यानी पक्की ईंटों के भवन सिंधु घाटी सभ्यता में देखे गए थे, जो इनकी सबसे बड़ी विशेषता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री वॉज, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का सबसे प्रमुख क्या प्रभाव पड़ा था. देखिए, इससे जाति प्रथा का दृढ़ीकरण हुआ था, यानी कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम हुआ था वैदिक कल्चर से. इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धा प्रीचिंग्स वर मेनली इन रिगार्ड टू, बौद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, यानी विचार और आचरण की शुद्धता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कॉलोनीज वर फाउंड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांश किसके काल में स्थापित हुए थे, तो ये हुए थे चोल के टाइम पर. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनसबदारी सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवा किंग्स आर रिमेम्बर्ड एज द मेकर्स ऑफ रॉक कट टेम्पल एट, पल्लव राजाओं को रॉक कट मंदिरों के निर्माता के रूप में याद किया जाता है, तो कहाँ पर इन्होंने ये बनाए थे रॉक कट टेम्पल. ऑप्शन डी, महाबलीपुरम में. ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी. द सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ खलीफा वॉज, सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था वो कौन सा था. तो इसका राइट आंसर है, वो सुल्तान था कुतुबुद्दीन मुबारक. कुतुबुद्दीन मुबारक ने खलीफा को मानने से इनकार कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था आधुनिक भारत को. ये था अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि. देखिए, जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने सभी रियासतों को इंडिया में जोड़ने का काम किया था, तो ये उनकी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी. तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया था. इसका राइट आंसर है, His heart lay torn with anguish over the atrocities of the British government in Punjab, especially the massacre of innocent people by Dyer at Jallianwala Bagh. यानी कि उनका हृदय पंजाब में अंग्रेज सरकारों के अत्याचारों, विशेषतः जलियांवाला बाग में जो डायर ने निर्दोष लोगों के हत्याकांड किया था, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, उससे दुखी हो गए थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधी जीज नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वॉज दैट, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था. इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन वायलेंस वॉज एम्प्लॉयड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन इफेक्टिव वेपन ऑफ मास मूवमेंट, यानी जन आंदोलन ने प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का उपयोग किया था यहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन, ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारत और अमेरिकी संघ में आम है.
तो ये है फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के निर्वाचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय, ये कॉमन है इंडिया और अमेरिका की फेडरेशन में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट स्पेशली मैंशनड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 19 है उसमें इनमें से कौन उल्लेखित नहीं है। तो जो नहीं है वो है फ्रीडम टू प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है आर्टिकल 19 में। इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल भी है और फ्रीडम टू मूव फ्रीली, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ये है 30 ईयर्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या न्यूनतम आयु है, तो वो होगी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम, यानी जब वित्तीय आपातकाल घोषित होता है, तो इसका राइट आंसर है कब होता है। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट्स विल स्टॉप, यानी कि जब सरकारी ऋणों का पुनर्भुगतान रुक जाए तब होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वॉज डन विद द पर्पस ऑफ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था। ये किया गया था इम्प्रूविंग क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, यानी ऋण सुविधाओं में सुधार करने के लिए बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो और बैंक रेट, ये हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज, वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है। तो ये है ट्रोपोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ मेटाफरिक रॉक, इनमें से कौन सी कायांतरित चट्टान है। ये है मार्बल, ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टली और फुली सेपरेटेड बाय अ नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड, मुख्य सागर के संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का विस्तार कहलाता है। यह कहलाता है ऑप्शन सी लगून, यानी समुद्र ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन डेजर्ट इज नोन एज, भारतीय रेगिस्तान किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है थार रेगिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक इज ए, लोकटक क्या है। तो देखिए लोकटक एक झील है, लेक है और ये मणिपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो ये बनता है ऑप्शन सी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये बन जाता है लो प्रेशर एरिया समर्स में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हमने जीके के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।